कोर्ट में आज मोहम्मद जुबैर को पेश किया जा रहा है। इसके लिए उसे दिल्ली से हाथरस लाया गया है। आपको बता दें कि जुबैर पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। इस मामले में 4 जुलाई को उनके खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। SIT मामले की जांच कर रही है। जुबैर फिलहाल तिहाड़ जेल दिल्ली में है। इससे पहले वह सीतापुर जेल में बंद था। आपको बता दें कि यहां से अभी तक उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता था। पहली बार उसके हाथरस कोर्ट में फिजिकल पेशी हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला 2018 से जुड़े ट्वीट का है। शिकायत में कहा गया था कि जुबैर सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करता रहता है, तो वहीं विवादित तस्वीरें पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।